Kasa. Tsetan Namgail. Yurgo. कितने उम्र का है जी आप? ने 77 का है साहब. 77 का. आप थोड़ा वो 1962 के बारे में थोड़ा सा बताएंगे डिटेल की डिटेल से. अच्छा सर, 1962 में मैं सरजा 1-2 में था. मेजर ध्यान सिंह थापा के साथ हम खाना बनाता था और पोटर सामान किसी में आता था, वो सामान उतारता था और सामान लेता था, पानी लेता था और मेजर साहब का खाना बनाता था. अच्छा, उस टाइम पे आप कितने उम्र के थे? उसके बीच में फिर कागज इधर उधर ले जाते थे, पहुंचाते थे. उस टाइम पे आप कितने उम्र के थे? मैं 23 का थे सब. 23 साल के थे. जी जी जी. तो इसके बाद वो 1962 के जंग हुआ इंडिया और भारत और ये चाइना के बीच, तो उस टाइम पे कैसे क्या क्या हुआ? वो इसे हो गया कि अक्टूबर 19 तारीख को रात को 4 बजे उन लोग ने अटैक किया, फेंक किया हमारे बॉस के ऊपर सर. जी जी. तब हमारे से भी हमारे फौजी ने भी उधर को फेंक करने के शुरू किया. जी जी. फिर उसके बाद करीब दिन को 2-3-4 बजे तक लड़ते रहा. 4 बजे के तक उसका हमला ज्यादा हो गया. जी जी जी. तो ज्यादा अटैक आ गया. बस उसका आगे आने वाला तो बहुत मार गया. मरने से भी उसका ज्यादा आते रहा. फिर बाद में हमारे आदमी काम था तो हमारे आदमी खत्म हो गया, तो 2-4 आदमी रह गया. जी जी जी. तब हम लोग उन लोग ने कब्जा कर लिया सर. तो कब्जा करने के बाद आप लोग चाइना में लेके गया? हाँ सर, चाइना में गया सर. तो कितने महीने वहाँ पे चाइना में आपको वहाँ पे रहना पड़ा आर्मी के लिए, इंडियन आर्मी के साथ? हम चेन्नई में रहा 6 महीना 26 दिन रहा. 6 महीना 26 दिन. जी. तो वहाँ पे तो आप लोगों को कोई तकलीफ तो ज्यादा नहीं हुआ? कैसे हुआ वहाँ पे? तो तकलीफ तो नहीं था कुछ. पहले खाना बन के तंगी हुआ. जी जी. भूखा भी रहना पड़ा कभी दिन. जी तो जी. उसके बाद ठीक होते होते तो उसने भी खाना अच्छा खिलाना वो किया, कपड़ा वपड़ा भी दिया. जी जी. तो इसे कोई मुश्किल नहीं हुआ. ठीक है. जी. तो वहाँ से जब आप लोग वहाँ चाइना में गया तो वहाँ पे कम से कम 6 महीने से ज्यादा वहाँ पे कैद में रहा, तो यहाँ पे घर वाले परेशान नहीं हो गया था? घर वाले क्या कह रहे थे फिर? हो गया सब हमारे साथ. जितना फौजी था उनका तो उनने एड्रेस मंगाया, एड्रेस लिफाफा इशू किया, घर में चिट्ठी भिजवाया. वो लोग तो फौजी लोग तो घर में चिट्ठी जाकर भी किसी का कभी आदमी उनका चिट्ठी का जवाब आ गया. तो जी मेरा जी. तो कुछ भी नहीं था, मेरा नाम था कुछ, एड्रेस नंबर कुछ भी नहीं था. तो यहाँ कोई बॉस ऑफिस कुछ भी नहीं था हमारे को, हमको तो कुछ भी नहीं मिला. तो घर वाले परेशान हो गया? तो हो गया होगा. तो हो गया सब. जो हम मर गया घर की वो जैसे मरने वालों को जो करना सारा पूजा होगा सारा यहाँ पे घर से किया, सब कर लिया. दिया भी जला के जितने भी जो पूजा करने का वो होता है घर में, वो सारा जो मरने के बाद जो भी पूजा वगैरह होता है वो सारा घर पे किया. सारा कर लिया. जी जी. तो आप वहाँ से जब 6 महीने के बाद घर आया तो फिर घर वाले क्या कह रहा था फिर? तो मैं उसके बाद आ गया, उन लोग तो मर गया करके इसे किया. तो बाद में मैं मरने पहुंचने से कुछ पहले फिर भौजी की तरफ से कुछ आ गया की खबर आ गया थे वो जिंदा है करके. जी जी जी. घर में फिर बता. तो चाइना वहाँ भी चाइना वहाँ से जब आते समय आप लोग दिल्ली से आए थे या छोड़ा गया या यहीं चुशुल से छोड़ा गया? अब सर लोग तो दिल्ली से पिकिंग होकर दिल्ली में छोड़ा है. हम लोग तो चुशुल एयरफील्ड गोरम में छोड़ा था. चुशुल एयरफील्ड में छोड़ा. तो वो 1962 में आप वहाँ से यहाँ छोड़ा. तो इसके बाद भारत सरकार की तरफ से कुछ आपके मदद के लिए कुछ दिया कि नहीं दिया अभी तक? कुछ भी नहीं दिया सर भारत सरकार ने तो मेरे. तो अभी तक कुछ गवर्नमेंट की तरफ से या आर्मी की तरफ से कुछ आपको कुछ मदद वगैरह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं, मेरे को कुछ नहीं मिल रहा सर. अभी तक कुछ भी नहीं मिल रहा? कुछ नहीं सर. जी जी जी. आर्मी की तरफ से भी कुछ भी नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा सब. जी जी. अभी यहाँ अभी इसी साल बस राजपूत आकर मेरे को राजपूत ने कुछ राशि
कुछ महीने में देता है जी 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 मदद, जी जी और ये बाकी कुछ भी नहीं सर। तो अभी आपके साथ कौन कौन रहता है घर में जी? मैं तो अकेला रहता हूँ, ये हमारे परिवार लड़के लोग अलग रहते, मैं अकेला रहता। तो सारा सारा खाना वाना सारा आप खुद बनाते मैं हैं? खुद बनाता हूँ जी जी जी